बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम यूटीएम कोऑर्डिनेट को यूटीएस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मेरे पास एक्सेल की एक फ़ाइल है, जिस फाइल के अंदर मैंने अपने कुछ पॉइंट्स का डाटा यूटीएम फॉर्म में सेव करके रखा हुआ है। ये मेरे पॉइंट्स की ईस्टिंग है और ये मेरे पॉइंट्स की नॉर्थिंग है। मैं अपने इन पॉइंट्स को यूटीएम से यूटीएस कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक स्प्रेडशीट यूज़ की है। ये मेरी स्प्रेडशीट है। मैं इस स्प्रेडशीट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के अंदर हमने अपना सबसे पहले लोकेशन के मुताबिक जोन इंटर करना है। मैं सऊदी अरब में हूँ, इसलिए मैं 37N जोन टाइप करने के बाद नेक्स्ट अब यूटीएम कॉलम में आकर ईस्टिंग और नॉर्थिंग डेटा पुट करूँगा। स्प्रेडशीट के अंदर यूटीएम पॉइंट्स का डेटा लाने के लिए मैं अपनी दोबारा से फाइल के अंदर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो मेरा तमाम डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टेड डेटा को स्प्रेडशीट के अंदर पेस्ट करने के लिए हम यूटीएम के कॉलम में आकर ईस्टिंग नॉर्थिंग वाली जगह पे आकर कंट्रोल वी प्रेस करते हुए अपने तमाम डेटा को पेस्ट कर लेंगे। जैसे ही हम अपने डेटा को पेस्ट करेंगे तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के सामने हमारे पास डेटा अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने एक्सेल फाइल में मौजूद तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।